वालेकुम, कैसे हो आप सर। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे ना। आप लोगों की दुआओं से मैं भी एकदम मस्त हूँ। स्वागत है आपका एक नए ब्लॉग में। सो आज वेनसडे है और जो मेरा क्लास का टाइम है ना, आज थोड़ा चेंज हो गया है। मतलब नॉर्मली जो है वो सुबह रहता है, बट आज शाम के वक्त है। तो आज हम लोगों ने सोचा चलो चलते हैं और जाके घूम के आते हैं नवाब वाजिद अली का जूलॉजिकल पार्क में। तो यहाँ से तकरीबन मेरे यहाँ से 8 किलोमीटर की दूरी पर है। और सुबह अभी हम लोग यहाँ पे 9 बजे रहा, मौसम जो है थोड़ा बारिश जैसा हुआ है, तो हम लोग बोले चलो जाते हैं और आज लखनऊ के जू में एंजॉय करके आते हैं। तो चलिए चलते हैं और आपको जाके जू पे मिलते हैं। तो अभी हम लोग पहुँच गए हैं जू के बाहर, ठीक है। यहाँ पे है टिकट काउंटर इनका और एक टिकट जो है वो 80 रुपये का है। तो हम लोग 3 लोग हैं, 3 टिकट ले लिए हम लोग। अब चलते हैं हम लोग अंदर, टिकट चेक कराते हैं और फिर अंदर घूमते हैं। यहाँ पे गाड़ी भी है जिससे आप पूरा घूम सकते हो और वहाँ पे उस साइड सेल्फी पॉइंट भी है, देख सकते हो। यहाँ पे अभी मौसम जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बारिश जैसा मौसम है, तो एकदम मस्त माहौल है। ना बारिश है ना धूप है, मज़ा आ जाएगा एकदम आज घूमने में। यहाँ पे एंट्री में ही आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा, आई लव लखनऊ जू, ठीक है। तो देख सकते हो कितना खूबसूरत लग रहा है यहाँ से और पिक्चर वगैरह लेने में काफ़ी अच्छा दिखेगा वहाँ से, ठीक है। एकदम मस्त है। एक आध मैं भी यहाँ पे फ़ोटोज़ वगैरह ले लेता हूँ, शायद बाद में थंबनेल के लिए काम आएगा मेरे। ये है इसमें शुतुरमुर्ग, जिसको ऑर्चिड्स कहते हैं, और इसके बारे में यहाँ पे डिटेल भी दिया हुआ है। इसकी 7 से 9 फीट हाइट होती है, 100 से 120 किलो तक वज़न होता है, 30 से 40 साल तक जीते हैं, नहीं क्या है वो, अप टू 30 ईयर्स वाइल्ड, अप टू 40 ईयर्स इन कभी बेटी, हाँ मतलब उतने साल तक जीते हैं। ये पूरा लिखा हुआ है, मोर 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 मोर, इसमें भी मोर ही है क्या? हाँ है इसके अंदर, इधर से। ओ हाँ, उसके ऊपर यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये मोर। वैसे इस बार मैं गांव का तो बहुत मोर देख के आया, रास्ते में बहुत दिखे मुझे। ये तो ये अब सामने से आ रहा है। हेलो हेलो, हाय, इधर है हम लोग, इधर है। ये तो कैसे जाली पे मार रहा है वो यार, वालो छे। हे इन लोग काटते भी है वैसे। हम यहाँ पे है फूड कोर्ट, सफेद बाग, लकड़ बग्गा, और अभी बहुत चीज़ जो है वो इस वाले रूट में है। तो चलिए चलते हैं अंदर और स्टार्ट करते हैं क्या क्या है इस साइड। मतलब वहाँ से 2 चीज़ें देख के, जिराफ और वो ऑर्चिड्स को देख के, अब हम लोग कुछ वॉकिंग डिस्टेंस पे आए तो जो है ये पोस्टर लगा हुआ है। तो चलो देखते हैं क्या है इसमें। क्या है यार, लकड़ बग्गा है बट इसमें तो कहीं दिख नहीं रहा है मुझे। फिलहाल अंदर होगा या कहीं बाहर है, कोई आइडिया है नहीं उसका मुझे, बट लिखा तो यहीं पे है वो कि है इस साइड। इसमें क्या है, वाइट बाग। ओह माय गॉड, इतना करीब में रखा यार, मतलब ज़्यादा वो भी नहीं है इसके अंदर, मतलब जाली वगैरह भी ज़्यादा नहीं है। ये बीच में पानी है क्या, पता नहीं यार, बट बहुत कम, मतलब ऐसे बहुत क्लोज में रखा है उसको, इतनी क्लोज में। मतलब मैं वैसे दिल्ली वगैरह में जब गए थे हम लोग जू में, तो इतने क्लोज में नहीं था वो, सब बहुत दूर रखे थे उसको। फिलहाल वो आराम फरमा रहा है अभी। ये भी वाइट टाइगर है और यहाँ पे भी इसको सिंगल रखा हुआ है, बस टहल रहा है। उधर भी सोया हुआ है, काफी इधर है अंदर इसमें। नहीं वो तो दूसरे वाले, हम लोग जो वहाँ पे दिखाए थे वो साइड, दूसरा है, दूसरा वो बड़ा है किसमें, वहाँ पे इधर से कोने में वहाँ से दिख रहा है। बट ये देखो पहले, ये मस्त एकदम टहलता हुआ शानदार दिख रहा है ना, टहल रहा है ना ये वाइट टाइगर, ऐसे टहलते हुए पहली बार देख रहा हूँ उसको। देख लो यार आप लोग भी एकदम ज़बरदस्त वॉकिंग में, एकदम करीब से देखो इसको टहल रहा है, इसका मॉर्निंग वॉक हो रहा है अभी, एक्सरसाइज पे बंदा डाइट वगैरह कर रहा है। वो वाला बहुत दूर है और वो वाला एकदम दूर है, वो तो बहुत बड़ा है यार। देखो यहाँ से वहाँ पे दिख रहा होगा आपको, देखो वो सोया पड़ा है, बट वो बहुत दूर है, वो क्लोज भी नहीं है। ये वाला बस एक क्लोज में था अपने। इसमें है मगरमच्छ,
और मगरमच्छ जो है, मगरमच्छ जो है वो पानी के अंदर है, तो वहाँ पर उसके ऊपर से बॉडी दिख रही है। यहाँ पे दो है इसमें, एक उस साइड देखो वहाँ भी दिख रहा है उसके, दो है। यहाँ पे नेचर काफ़ी अच्छा लग रहा है, एकदम मस्त, पूरा एकदम घना घना जंगल जैसा दिख रहा है जहाँ पे ये है। और ये ट्रेन की पटरी जिसमें आप पूरे ट्रेन से पूरा व्यू ले सकते हो जू का। इस साइड चलते हैं, इसमें कैरकल कैट है जो लगभग 2 से 3 फुट तथा मादा 2 से 2.5 फीट लगभग, नर 10 से 20 किलो। अच्छा मतलब नॉर्मल बिल्ली से जो है ये थोड़ी बड़ी होती है ना, ये इसके अंदर होता है। अब देखो इसको मैं आपको दिखाता हूँ, ये है कहाँ पे, ये यहाँ पे है, ये आपको दिख रही है अंदर, लगभग एक छोटे कुत्ते की, हाँ एक छोटे कुत्ते की बराबर। हाँ कान वगैरह भी थोड़ा अलग है इसके, ये देखिए ये है, बट है तो ये बिल्ली, मतलब बिल्ली की प्रजाति है। हाँ बिल्ली की प्रजाति है ये पहली बार देख रहा हूँ मैं इसमें, मतलब यहाँ पे ये वाले जू में, इससे पहले मैंने ये चीज़ किसी और में नहीं देखा। आगे चलते हैं, यहाँ का नेचर काफ़ी अच्छा है, जो पेड़ पौधे हैं और जो ये मौसम हुआ आज, तो मौसम में कुछ कह ही नहीं सकते, बस हल्की हल्की सी जो है वो अब धूप निकली है, 10:30 की बात करी 11 बज रहे हैं। इसमें क्या है, लेपर्ड बिल्ली, ये तो अपनी गुफा में लग रहा है सो रही है। हाँ क्योंकि बाहर नहीं है ये भी होगी, बट इसकी गुफा में होगी शायद, वो अंदर ऐसे दिख भी नहीं रही है, वो होगी तो भी अंदर होगी या नहीं होगी तो भी आइडिया नहीं। आगे चलते हैं, इसमें ये तोता और ये लेडी एमरेट फीजेंट। अब आपको मैं दिखाता हूँ इन लोगों को, सिर्फ एक ही की है, नहीं है, ग्रीन वाले के तो 2 पैर हैं और इसके जो ये लेडी एमरेट फीजेंट है इसका एक ही है, सिर्फ एक ही है ना पक्का, हाँ एक ही है वो, और ये ग्रीन वाला एक ऊपर और एक यहाँ पे नीचे, क्योंकि इंडिया में पाई जाती है इसलिए यहाँ पे 2 हैं, वो तो बहुत रेयर केस में होगी इसके लिए उसको ज़्यादा नहीं रखा गया है। यहाँ पे भी लिखा कुछ और है और अंदर कुछ और है, ये देखिए ऊपर वैसा ग्रीन वाला है, ऊपर वाले हैं, ग्रीन वाले हैं ऊपर, कहाँ बच्चा लोग मज़ा कर रहे हैं। ये नाजिज़ भाई हमारे बच्चे लोग मज़ा कर रहे हैं, कहाँ बच्चे लोग मज़ा कर रहे हैं दिखाओ, अच्छा ऊपर बच्चे लोग मज़ा कर रहे हैं। मतलब यहाँ पे 2 है बगल में भी, यहाँ पे भी ग्रीन वाले पैरोट है ना, पैरोट भी हैं इधर बगल में। अच्छा ये इसका नाम नहीं दिया यार, पता नहीं क्या है ये, इसको हर लगभग 2 केज में देखने को मिला, ये था इससे पहले वाले केज में भी था, ये पता नहीं क्या है, दिखने में तो अच्छी दिख रही है, मुर्गी की कोई ब्रीड होगी मेरे हिसाब से तो, है ना, कोई उड़ने वाला लग रहा है आपको, उड़ने वाला है ना, ऐसे अगर उड़ने वाला नहीं होता तो इसके अंदर डालते नहीं वो लोग, ठीक है। एक ग्रीन वाले पैरोट है, बहुत अलग अलग नाम है इनका, क्या है ये, ब्लॉसम, इधर आइए, बहुत शानदार ब्लॉसम हेडेड पैराकीट, इनके हेड पे कुछ अलग है इसके लिए इसका नाम, अच्छा काकटेल, काकाटेल हिंदी में। इससे ये भी बहुत, मतलब ये भी मिल जाते हैं नॉर्मली आपको देखने के लिए, पैरट, हाँ ये भी एक, बहुत सी इनकी ब्रीड, मतलब अलग अलग इनके ब्रीड है इनकी, तो बहुत सी है, कोई गिनती नहीं है कितने ब्रीड है इनके, है तो ये सब पैरट के ही खानदान वाले। यहाँ पे भी इसका भी नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, बट सुना है मैंने, वो उसको क्या बोलते हैं पता है क्या, उसका नाम याद है आपको, उसका नाम आई डोंट नो भाई, मैंने उसका नाम सुना है बट मेरे को फिलहाल याद नहीं आ रहा, इसमें क्या है, अच्छा जो कछुआ यहाँ पे, स्टार टर्टल, और यहाँ पे अंदर अपनी धीमी गति से आगे बढ़ते हुए कछुआ साहब। आज अच्छे अच्छे कमेंटेटर आए हैं मेरे साथ, ये हमारे भाई, ये नाजिस भाई, तो अच्छी खासी कमेंट्री हो रही है आज हम लोग के बीच में। अब यहाँ पे ये भी कुछ अलग ब्रीड है, नाम यहाँ पे भी नहीं दिया, बहुत सी चीज़ें यार नाम नहीं दिया, पता नहीं चलेगा, हम लोग भी घूमने हैं, हम लोग को भी बहुत सी चीज़ जो है वो पता नहीं है,
ये कुछ अलग है इसके यहाँ पे, ये इधर देखिए बटरफ्लाई तितली पैसा लगे यहाँ पे कुछ अलग है, बट इसके लिए जो है वो चार्जेस हैं पर पर्सन 20 रुपीज़। तो इंशाल्लाह इसको आगे कवर करेंगे, पहले हम लोग उस साइड जाके आते हैं, क्या क्या चीज़ें हैं वो देख लेते हैं, और वहाँ पे पीछे हम लोग ने हिरन वगैरह नहीं देखा वो देखते हैं, फिर हम लोग इस साइड आएंगे ताकि फिर एक साथ सब कवर हो जाए, फिर अंदर हम लोग कवर करेंगे, और जो बाकी चीज़ें हैं फिश वगैरह वो हम लोग बाद में देख लेंगे। कबूतर नहीं यार, इसका भी नाम नहीं दिया है, कबूतर नहीं यार, सबको कबूतर थोड़ी बोल सकते हैं हम लोग। ये देखो इसके अंदर है कबूतर, वाओ वाइट वाले सुपर्ब, ये वाइट वाले बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन खूबसूरत भी है ये लोग, एकदम छोटे छोटे हेड है इनका, और ऐसे नोज निकला है इनका, मस्त दिख रहे। देखो आप क्लोज देखो, नीचे एकदम बैठे हुए वहाँ पे भी, यहाँ पे क्या है गोल्डन फीजेंट। अच्छा वो जो हम लोग ने फीजेंट देखा है लेडी क्या था वहाँ पे, वो उसके कुछ ब्रीड में ये भी है, ये गोल्डन फीजेंट है अंदर, ये देखिए आप, और एक वहाँ पे वहाँ पे अंदर एक पैरोट है, वो वहाँ पे भी दो है, हाँ ब्लू, हाँ मकाऊ जो हमने वहाँ पे पहले देखा ना वो भी मकाऊ थे, ये ब्लू वाले हैं और वो कोई और थे, ये देखो ब्लू वाले भी यार एकदम मस्त दिखते हैं ये भी, हाँ ये देखो आप लोग, ये अंदर है ना, और ये डिस्प्ले मतलब ये जो मिरर लगा है ना इस पर बहुत गंदे हो गए, इस वजह से जो है अंदर का क्लियर नहीं आ रहा है, नहीं तो ये मस्त दिखते हैं अंदर से एकदम, सामने से अच्छे समझ में आ रहे हैं कि ब्लू ब्लू एकदम अच्छे दिख रहे हैं, है ना सामने से ज़्यादा अच्छा दिख रहा है, और वीडियो में उतना पता नहीं चल रहा है, खूबसूरत दिख रहा है ये मकाऊ, ये वहाँ पे भी थे बट वो अलग थे। आगे चलते हैं आप, इधर वो येलो वाले पैरोट हैं, हाँ बर्ड्स के लिए इधर, हाँ ये वाले में अंदर बर्ड्स के लिए, ज़्यादातर जो है वो अलग अलग ब्रीड की आपको बर्ड्स देखने मिलेगी, सफ़ेद मोर कुछ अलग, ये कहाँ की ब्रीड है यार, ये डाइट ब्रीडिंग, अरे सफ़ेद मोर, ये कहाँ पे पाई जाती है ज़्यादा, इंडिया में पाई जाती है अपनी, ये इंडिया में पाई जाती है ना, बट बहुत कम देखा है मैंने, ये ज़्यादातर हमको जो है वो नॉर्मल जो अपने मोर होते हैं वही देखने को मिलते हैं, सफ़ेद कम देखा है मैंने भी, बहुत कम देखा, ज़्यादातर वो जू वगैरह में ही देखने को मिलते हैं हमें, बाहर तो मैंने आज तक नहीं देखा है, अंदर ही जो देखे जू में सफ़ेद वाले वही देखे हैं। ओह इसमें क्या है, अच्छा आदमी भाग रहे हैं, मुझे लगा इसमें भी कोई जानवर है, ये भी कुछ, ये भी उड़ने वाली होगी है ना, कि मुर्गी है, ये भी मुर्गी है शायद, ये उड़ने वाली नहीं है, मुर्गी लग रही है मुझे तो, है ना, नाम नहीं दिया इसलिए ज़्यादा कंफ्यूज हो रहा है हम लोग को। यहाँ पे भी कुछ अलग मुर्गियाँ हैं, हाँ मुर्गियाँ ही है यार ये, मतलब देसी मुर्गी है सब इसमें, इसके अंदर कुछ था है, क्या है ये स्लो लॉरिस, इसके अंदर है नहीं कुछ, हाँ पेड़ों को चलते, ये पता नहीं यार, ये मैंने बहुत कम देखा है इसको, देखने मिल जाता तो मज़ा आता, इसमें कुछ है कि इसमें भी नहीं है, इन लोग की लगती है, अच्छा ये हाँ गिलहरी जिसको बोलते हैं वो है क्या ये, हाँ गिलहरी बराबर, भारतीय बड़ी गिलहरी, मतलब जो नॉर्मल गिलहरी होती है उसके बड़े साइज में होगी, बट उस गुफे में थी, थी ना, जो है ना, हाँ लकड़ी वाला, हाँ उसमें होगी शायद, वो निकली थी देखिए, अच्छा है उसके अंदर, तो अंदर गई होगी, चलिए आगे चलते हैं, तो बहुत वक्त जाएगा, ये भी मकाऊ नहीं, ये भी फीजेंट है, एमरेस्ट फीजेंट, आप यहाँ पे अंदर देख सकते हो, ये थोड़े अलग कलर में, वो हम लोगों ने देखा था वो नॉर्मल कलर में थे, जो इस साइड की थी गोल्ड वाली, हाँ गोल्ड वाली थी, हाँ और वहाँ पे दूसरी है, ये इसमें क्या है यार, सन पैराकिट, ये वाले तो दिख नहीं रहे यार, बाहर है भी नहीं शायद इसके अंदर, ये क्या है, ग्रेट हॉर्नबिल, अच्छा वहाँ पे लिखा, अच्छा धनेश ते चोंच लंबे होते, ये देखो आपको दिखा रहा हूँ मैं, इनके आप चोंच देखिए, इनके वो लंबे होते हैं, हाँ चोंच चोंच, वो रेड कलर का होता है, ये पता नहीं कुछ नाम नहीं दिया इसका यार, यहाँ पे ऊपर भी है दो तीन, ये देखो इस तरह भी कुछ है ऊपर, ये तोते की कोई ब्रीड होगी,
बहुत ही सुंदर है। हाँ ये थोड़ा अलग कलर है यार, लेकिन मकाऊ टाइप में ही है, मतलब मकाऊ की कोई ब्रीड में होगा, अलग नाम नहीं दिया इसका, इसके लिए नाम पता नहीं है हमें भी। आगे यहाँ पे भी अंदर कुछ मुर्गियाँ जैसी दिख रही है। बहुत सी चीज़ें वो रिपीट किया है इसमें, लाल पीले मकाऊ। हाँ ये मकाऊ वैसे कुछ था वहाँ पे भी, लेकिन उसकी मतलब कलर अलग थी, थोड़े इस टाइप के नहीं थे वो, रेयर कलर इसका जो कलर है। हाँ मतलब रेड एंड हाँ दो तीन कलर मिक्स है इसमें, रेड है इसके अंदर है दरियाई घोड़ा, इसको हिप्पोपोटामस के नाम से जाना जाता है। बहुत बड़ा ही है, इसका मुंह बहुत बड़ा होता है, इसका बाइट बहुत तेज करता है। ऐसे वो दो तीन में लगाए थे, लेकिन इसमें है, इसके अंदर रखा गया है। ये शेर को एक बार पकड़ लेना मुंह से इसको। भाई अपना मुंह दिखा दीजिए, इतनी तारीफ सुन रहे हैं, अपना फेस दिखा दो यार। ये देखो छोटे छोटे कान है इसके, आँख दिखा रहा है, बट फेस जो है ना इसका वो नीचे देखो झलक रहा है थोड़ा थोड़ा। उठ जा थोड़ा और ऊपर उठ जा भाई। ये दरियाई घोड़ा शायद लग रहा है, निकाल थोड़ा और निकाल। ओह हो, थोड़ा सा और, थोड़ा और निकाल, थोड़ा और बाहर। ओह फिर अंदर जा रहा है, गया करीब से आके दर्शन दे। और करीब आ गया, ये एकदम करीब। अबे छुप ही गया एकदम। बटरफ्लाई पार्क लखनऊ जू, बटरफ्लाई के लिए जो है वो अलग से टिकट लेना पड़ता है, एक टिकट जो है 20 का है, तीन लोग हैं, तीन टिकट 60 रुपया, ठीक है। बट यहाँ पे कुछ अनोखी चीज़ देखने मिलेगी जो फर्स्ट टाइम देखूँगा मैं, इतनी सारी तितलियाँ एक ही जगह पे। चलिए देखते हैं कहाँ पे है, यहाँ पे बैठने के लिए भी जगह है, एकदम अलग फील आएगा यहाँ पे बैठने पे। देखो आप किस तरीके से जो है ये बनाया हुआ, एकदम ऐसे गांव में जैसे होते हैं ना वैसे बनाया हुआ है यहाँ पे। हाँ मतलब जो पहले ज़माने में ज़्यादातर जब लोग कहीं भी बैठा करते थे उस टाइप का फील आ रहा है ना, एकदम अच्छे से मतलब बनाया हुआ उसको पुराने ज़माने के तरीके से, मस्त लग रहा है ये। चलो चले तितलियों के अड्डों पर। अभी अंदर आ गए हम लोग, अंदर से कुछ इस तरीके का जो है वो इंटरफेस देखने को मिला है, मतलब बीच में ऐसे पानी है, फुहारे लगे हुए उसमें, और ये पूरे आइट साइड से जो है ये पूरे पेड़ पौधे, यहीं पे तितलियाँ ऐसे तो ज़्यादातर घूम रही है, बट अब देखते हैं कहीं और भी तितलियाँ है या इन्हीं तितलियों को देख के तसल्ली कर रहा है हमें। ऐसे फूल वूलों पर ज़्यादा जो है वो बैठी रहती है ना, नीचे फूल वगैरह भी लगाया हुआ, वैसे फूल पौधे पर ज़्यादा रहती हैं ये। यहीं पे जो है वो तितलियाँ देखो हर जगह पे ना आपको देखने को मिलेगी। वैसे एक स्पॉट बनाया हुआ है जहाँ पे ज़्यादा जो है वो तितलियाँ आती है, इस वजह से जो है इसको अलग से एक बाहर आपको दिखा दिया है कि बटरफ्लाई का एरिया ही है, और यहाँ पे आपको बटरफ्लाई देखने को मिलेंगी। और यहाँ पे देखो ऐसे इतनी ग्रीनरी है, और कुछ चीज़ें जो है उनके लिए होंगी जो अट्रैक्ट करती होगी उनको, ऐसी कुछ चीज़ है जैसे पानी में बहुत सी जो है वो पानी में भी कभी कभी देखने को मिलती है, तो वो पानी वाले भी होंगे, और बाकी जो ये नॉर्मल आपको दिखते होंगे वो सब। और कुछ तो है नहीं खास, बट पहली बार आया था कुछ ट्राई करने था, तो देखा नहीं है मैंने तुम्हें वाला, सोलो देखते हैं कि क्या है अंदर, कुछ देखने लायक मिलता है या नहीं। वैसे तितलियाँ सामने से दिख रही होंगी आपको, वीडियो में दिख रही होंगी या नहीं पता नहीं, बट तितलियाँ हैं इसमें, और वैसा कुछ नहीं है जो मतलब एकदम देखने लायक है ये। अब नॉर्मल तितलियाँ वैसे तो आप कहीं घूमने जाओगे और कहीं पानी वाले जगह पर देखोगे और कहीं पेड़ पौधे होंगे तो भी आपको ये चीज़ें देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पर ये 20 रुपया मुझे तो वेस्ट लगा, मेरा मतलब वसूल नहीं हुआ यहाँ पे अलग से 20 रुपये, क्योंकि टिकट 80 रुपये है तो इसमें ये इंक्लूड होना चाहिए, इससे ज़्यादा कुछ चीज़ें हैं नहीं। मतलब ये एक अलग सा एरिया बना हुआ, और एरिया का बना हुआ वो पानी लगा है बीच में और वो निकल रहा है उसमें से, बाकी ये जो बटरफ्लाई आप सामने दिख रहे हो यही सब उड़ रही हैं और कुछ नहीं है, पेड़ पौधे हैं यहाँ पे उस हिसाब से। देखो बहुत सी चीज़ें हैं,
देखो ये उड़ रही है ना, यही सब है बस भाई। देखो ये माहौल देखने को मिलेगा अंदर आपको आओगे तो। चलिए आगे चलते हैं अब। इसके अंदर है घड़ियाल, देख सकते हैं आप। एक क्रोकोडाइल में अंतर है। हाँ वहाँ पे देखे थे हम लोग क्रोकोडाइल ना, ये यहाँ पे दो अलग अलग इनके बच्चे भी है शायद। हाँ दो एकदम नन्हे नन्हे बच्चे हैं दोनों इस पे हैं। ये देखो ये लकड़ी अंदर खिलौने रखे गए हैं। हाँ ऐसे तो लग रहा है बट ये दो कोई मूवमेंट नहीं कर रहे, बट ऐसा लग रहा है कि देख के तो लग रहा है कि वही है बट फिर भी